वेलकम एवरी वन, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास के अंदर हम बेसिकली एक टॉपिक करेंगे, और वो जो टॉपिक है दैट इज़ नोटिस। सो आर यू एबल टू सी क्लियरली व्हाट आई हैव रिटन? ओके, सो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम नोटिस का एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कि फॉर्मेट क्या है, कैसे है, सारी की सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, और एक बार हम एक नोटिस करके भी देख लेंगे कैसे होगा वो। सो वेलकम दीपांशु, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर लेट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ नोटिस। मैं आप लोगों को बता दूं कि नोटिस का जो क्वेश्चन है आपका वो फिक्स आना ही आना है, दैट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन, जो आएगा ही आएगा। और इसके अलावा पोस्टर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, चॉइस में नहीं आएगा पोस्टर। पोस्टर का अलग टॉपिक है आपका, और नोटिस भी आपका एक अलग टॉपिक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैं अभी सिलेबस देख रहा हूँ, तो जो हमारे को सिलेबस दे रखा है गाइस, उस सिलेबस के अंदर हमारे को यहाँ नोटिस बोल रखा है, और नोटिस के चॉइस में हमारे को कुछ भी नहीं बोल रखा, ठीक है, सिर्फ नोटिस बोल रखा है। तो मतलब चॉइस में भी आया तो नोटिस आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं देखूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पोस्टर दे रखा है इन्होंने, 11th क्लास का पोस्टर, और पोस्टर के चॉइस में भी इन्होंने कोई दूसरा टॉपिक नहीं दे रखा। जैसे कि 12th क्लास का टॉपिक अगर मैं बात करता हूँ, तो नोटिस के चॉइस में उन्होंने एडवर्टीजमेंट सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन आपके में सिर्फ नोटिस ही लिखा हुआ है, आपके चॉइस में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब कि नोटिस राइटिंग जो है, इट इज़ अ कंपल्सरी क्वेश्चन, या मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ कंपल्सरी टॉपिक, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये सबको समझना है, जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर कोई बच्चा हमारा बाद में इस YouTube वीडियो को देखता है, अगर व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड दिस ऑन YouTube, गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट यू कैन यू नो रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ आवर चैनल, दैट इज़ गुडविल एजुकेशन। और नोटिस राइटिंग जो है आप लोगों का, उसके अंदर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वाई डू वी राइट नोटिस। द फर्स्ट थिंग इज दिस, वाई डू वी राइट नोटिस। तो कोई मुझे बताएगा हम नोटिस क्यों लिखते हैं? टू इन्फॉर्म समवन, किसी भी पर्सन को इन्फॉर्म करने के लिए हम नोटिस लिखते हैं, है ना। क्या हम पर्सन को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस लिखते हैं? व्हाट डू यू थिंक? या ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए लिखते हैं? टेल मी इफ यू नो। यस, चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली A notice is written by an organization, ठीक है, एक organization लिखती है। A notice is written by an organization which has a purpose to notify a group of people about a specific information. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या लिखी कि भाई बेसिकली एक नोटिस जो है वो लिखा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब मैं अगर तुम्हारे केस की बात करूँ ना, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली एक स्कूल होगी। यहाँ पे अगर मैं तुम्हारे केस की बात करूँ, तो नोटिस ज़्यादातर स्कूल के पर्स्पेक्टिव से आता है, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं होता, ठीक है। जैसे 12th क्लास में थोड़ा बहुत जब वैरायटी दे देते हैं वो लोग, तो वो क्या करते हैं, वो स्कूल की जगह किसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बिहाव पे नोटिस लिखना है, या कोई दूसरा एसोसिएशन है उसके बिहाव पे नोटिस लिखना है, लेकिन ज़्यादातर जो आता है वो स्कूल के बेसिस पे आता है, इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई है, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मेट, कि भाई फॉर्मेट क्या है, अगर हम नोटिस लिख रहे हैं तो व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ नोटिस। देखो, जब हम फॉर्मेट की बात करेंगे, तो पहली चीज़ तो भाई कि नोटिस जो होता है वो बॉक्स में होता है। और एक और चीज़ बता दूं कि जो नोटिस का बॉक्स होता है ना, वो एक स्क्वायर होता है ज़्यादातर केसेस में। जो हमारे नोटिस का बॉक्स होता है, इट
इज अ स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट तो तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन एडवर्टीजमेंट का जो बॉक्स होता है वो स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगल होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा कॉलम है, जितना स्पेस है उसके हिसाब से हमें उसे एडजस्ट करना पड़ता है। तो इट कैन बी अ रेक्टेंगल और स्क्वायर, और इट डजेंट हैव अ डेफिनेट शेप, बट नोटिस का ज़्यादातर स्क्वायर ही होता है, फोर साइड्स इक्वल। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो भाई हम लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है बेसिकली? ऑर्गेनाइजेशन का नेम का मतलब है कि यहाँ पे बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि हम स्कूल का नाम लिख रहे हैं, किसका नाम लिख रहे हैं, हम स्कूल का नाम लिख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम में। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखने के बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है, दैट इज बेसिकली नोटिस। नोटिस लिख सकते हैं, वैसे ऊपर नीचे भी हो जाती है लाइंस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर आता है डेट, उसके बाद आ सकता है टाइटल। कुछ केसेस में टाइटल के बगैर भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप अगर टाइटल लिख दोगे तो दैट इज़ गुड, उसमें आपके जो गलती के चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे आपके। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नोटिस लिख रहे होगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो बॉक्स है उसको क्लोज नहीं करना। जैसे इसमें तो मैंने भाई लेआउट बनाया तो मैंने क्लोज कर दिया है यहाँ पे, लेकिन आपको बॉक्स को क्लोज नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब आपका नोटिस ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे, वहीं पे आप पेंसिल से उसे क्लोज कर दोगे नीचे, वरना आपका जो स्पेस है वो ज़्यादा छूट जाएगा, तो आपका जो फॉर्मेट है वो सही तरीके से ड्राफ्ट नहीं हो पाएगा, अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन नेम, स्कूल, नोटिस, डेट। अच्छा, ये चारों की चारों चीज़ें एक के बाद एक कॉलम में है, चार। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, फिर थर्ड, लेफ्ट साइड में डेट, फिर फोर्थ। और जो ये डेट लिखनी है इसका भी ध्यान रखना, डेट कैसे लिखनी है। जैसे अगर मुझे आज की डेट लिखनी है तो आई विल राइट लाइक दिस, 16th November 2020। ठीक है, इस तरीके से लिखनी है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 16/11/2020, दैट विल बी कंसाइडर्ड रॉन्ग। ठीक है, तो ये भाई हमारे को ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, क्लियर? अब जो पहली दो चीज़ें मैंने सामने बताई हैं तुम्हारे को, ऑर्गेनाइजेशन का नेम और नोटिस, फिर डेट, टाइटल, ये तुम्हारा पहला दो, पहली जो दो चीज़ें हैं वो कैपिटल लेटर में रहेंगी तो ज़्यादा बेटर है, उसके बाद डेट टाइटल तो अपने हिसाब से। अब टाइटल क्या आएगा, अब देखो नोटिस का मकसद क्या है, मैंने पहले ही डेफिनेशन लिखवा दिया कि भाई नोटिस जो है वो बेसिकली हिंदी में इसको सूचना कहते हैं, कि एक सूचना जो है वो बेसिकली क्यों लिखी जाती है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को नोटिफाई, मतलब सूचित किया जा सके किसी भी चीज़ के बारे में। अब मैं अगर टाइप्स की बात करूँ तो वैसे तो ऐसे हम यू नो कह नहीं सकते कि भाई टाइप्स यही होती हैं जो हमारे को हमेशा से दी गई हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन बेसिकली टाइप्स के अंदर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पे कि एक होता है आपका इवेंट नोटिस और दूसरा होता है आपका इन्फॉर्मेशन नोटिस। ये दो तरीके के नोटिस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैंने इसको कैसे क्लासिफाई कर रखा है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे इवेंट नोटिस का मतलब ये है कि मैं किसी ऐसे नोटिस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वेयर द पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस इस पार्टिसिपेशन, मतलब जहाँ पे नोटिस लिखने का जो मेन मकसद है वो पार्टिसिपेशन है, दैट इज कॉल्ड इवेंट नोटिस। ठीक है, यहाँ पे लिखने का पर्पस क्या है, पार्टिसिपेशन है, मतलब हमारे को क्या करना है, नोटिस लिखना है ताकि जो कोई भी पर्सन है जो इसको पढ़ रहा है, जिसको हम नोटिफाई कर रहे हैं, वो उसमें क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। और इन्फॉर्मेशन नोटिस क्या होता है आपका, इन्फॉर्मेशन नोटिस वो होता है जिसके अंदर हमारा पर्पस जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं होता, यहाँ हमारा पर्पस पार्टिसिपेशन नहीं होता, रेदर देन पार्टिसिपेशन कुछ और होता है, वेयर द पर्पस ऑफ राइटिंग नोटिस इज नॉट पार्टिसिपेशन बट टू गिव अ कैजुअल इंफॉर्मेशन। कोई भी कैजुअल इंफॉर्मेशन है, नॉर्मल सी कोई इंफॉर्मेशन है, वो देना है हमारा जो मेन पर्पस है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, अब ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन नोटिस, तो इवेंट नोटिस हो गया और इन्फॉर्मेशन नोटिस हो गया दोनों। अब इवेंट नोटिस के एग्जांपल जैसे क्या है भाई, मान लो एनुअल फंक्शन पे नोटिस है मेरा, तो ये मेरा इवेंट नोटिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मुझे
पार्टिसिपेशन के लिए स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है। लेकिन ध्यान रखना, एनुअल फंक्शन हमारा इन्फॉर्मेशन नोटिस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनुअल फंक्शन इवेंट नोटिस तब कहलाएगा जब वहाँ पार्टिसिपेशन पर्पस होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को कि वो सारे के सारे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ उसको अटेंड करेंगे। पार्टिसिपेशन की बात तो मैंने नहीं करी, तो फिर एनुअल फंक्शन भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा? इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर? इवेंट हम तभी मानेंगे उसको जब हम वहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिसिपेशन। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हैव यू गॉट गाइस? फाइन। अब जैसे कि इन्फॉर्मेशन नोटिस में मैं बात करता हूँ, मान लेते हैं चेंज ऑफ ड्रेस कोड फॉर विंटर्स, कि जो विंटर्स हैं मतलब कि बेसिकली जो सर्दी का सीज़न आ रहा है उसके लिए ड्रेस कोड चेंज हो रहा है स्कूल के अंदर। हमें बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि भाई ड्रेस कोड चेंज हो रहा है, अब तुम्हें ये ड्रेस पहन के आनी है इतनी तारीख से। तो बताओ वो इवेंट होगा इन्फॉर्मेशन होगा? ऑब्वियसली वो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो इससे आगे यार होगा कि फॉर्मेट पे आ जाते हैं। मैंने जो फॉर्मेट बताया तुम्हें उसकी बात करता हूँ मैं पहले। फॉर्मेट में मैंने सबसे पहली चीज़ तुम लोगों को क्या बताई है? स्कूल नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर टाइटल। अब सबसे पहली जो चीज़ आएगी ना, एक लाइन का स्पेस छोड़ के हमें लिखना है टू हूम आर वी गिविंग इन्फॉर्मेशन, कि हम इन्फॉर्मेशन किसको दे रहे हैं। ये सबसे पहला पॉइंट है। किसको देते हैं हम ज़्यादातर केसेस में स्कूल वाले नोटिस में इन्फॉर्मेशन? बताओ, स्टूडेंट्स को देते हैं। तो बेसिकली इसकी जो लाइन आती है वो ये वाली आती है ज़्यादातर, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन ज़्यादातर आती है। देखो ये मैं ऐसा नहीं लिख रहा कि भाई हमेशा यही आएगी, डिपेंड करता है। जैसे कि हो सकता है कि हम टीचर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द टीचर्स भी हो सकता है। हो सकता है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो इट कैन बी दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12। या हो सकता है कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स में जो स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? इट कैन बी मॉडिफाइड। नाउ विच इन्फॉर्मेशन आर वी गिविंग, हम कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम दे रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। समझ में आया? अब क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। भाई ये तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे मैंने ऊपर एनुअल फंक्शन की बात करी तो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन आएगी। जैसे मान लो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है कि सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि दे विल अटेंड द एनुअल फंक्शन विद देयर पेरेंट्स, विद देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं? बताओ, जल्दी बताओ। उनकी डेट बता सकते हैं? पिंकी, आर यू हियर? आर यू लिसनिंग मी? आई एम आस्किंग पिंकी। पिंकी हैज लेफ्ट द मीटिंग ओवर। पिंकी इज लिसनिंग बट शी इज नॉट रिप्लाइंग। ओके, व्हाई आर वी राइटिंग, हम क्यों लिख रहे हैं? वी राइट अबाउट आवर मेन पर्पस। ठीक है, हम बेसिकली किसके बारे में लिखते हैं? हमारे मेन पर्पस के बारे में। जैसे मान लो एनुअल फंक्शन है तो उसका पर्पस मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आए, तो हम लास्ट में जो लाइन है वो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू कम विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लाइन लिख सकता हूँ। किस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू, अब टू के बाद डैश आ जाएगा। अब डैश में क्या आएगा? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि भाई क्या पर्पस है,
ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। पहली लाइन ऐसे स्टार्ट होगी, आगे बढ़ जाएगी, दैट दैट के बाद फिर क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन और द ड्रेस कोड फॉर द स्कूल हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम दिस डेट, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका मेन पर्पस आ जाएगा कि आपका पर्पस ऑफ राइटिंग क्या है, आप क्या चाहते हो। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू बी अ पार्ट ऑफ एनुअल फंक्शन विद देयर पेरेंट्स। समझ में आया? अब आई पिंकी की आवाज। चलो अब नेम ऑफ पर्सन हु इज राइटिंग, तो जो लिख रहा है उसका नेम आता है। अब ज्यादातर केसेस में ये पर्सन कौन होता है, या तो हेड गर्ल हो गया या हेड बॉय हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन में नेम गिवन होता है और उनकी पोजीशन भी गिवन होती है कि वो हेड बॉय है, हेड गर्ल है, या स्कूल का सेक्रेटरी है, या कोई टीचर ड्राफ्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन हु इज राइटिंग। और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, उसकी पोजीशन, उसकी पोस्ट क्या है। वैसे नेम ऑफ पर्सन की जगह हम इसे सिग्नेचर भी मान लेते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर भी हम लिख सकते हैं, सिग्नेचर उस पर्सन के, सिग्नेचर सिग्नेचर ऑफ पर्सन ये भी कह सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, वैसे तो दोनों करने की जरूरत नहीं है, नाम ही लिख दो डायरेक्टली तो भी ठीक है, उसको भी सिग्नेचर मान लेते हैं। और यहाँ बॉक्स क्लोज हो जाएगा भाई, वो मैंने तो एडजस्ट कर दिया, लेकिन तुम भी पेंसिल से कर सकते हो, वैसे मिटा सकते हो लाइन को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल से ड्रॉ करनी है लाइन, ये ध्यान रखना। समझ में आया क्या है फॉर्मेट भाई? सभी बच्चों को समझ आ गया, क्या बात है, वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। बताइए। हाँ, लेफ्ट साइड में करने हैं हमारे को, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमें जो ये साइन करने हैं ये लेफ्ट साइड में करने हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसी क्वेश्चन की, इफ़ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन, तो सेम हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे मान लो स्कूल का नाम है जिंदल पब्लिक स्कूल। ठीक है, पहले ये लिख दिया, फिर नोटिस, ये एक के बाद एक लाइन आएगी ऑब्वियसली। हेलो राघव, आर यू लेट? आप लेट हैं राघव? आर यू एबल टू लिसन मी राघव? हाँ राघव, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आई एम ऑल्सो गुड। तो राघव, मैं अभी करा रहा था बेसिकली नोटिस के बारे में, मैंने शुरुआत क्लास जो है वो थोड़ी पहले करी है, तो कोई नहीं, मैं अभी इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा अलग से, तो आप इसको देख लेना शुरू वाले पार्ट को, वैसे तो मैंने वही चीज़ें बताई हैं पहले वाली। ठीक है, यहाँ पे मैं नोटिस ड्राफ्ट करके बता रहा हूँ, बेसिकली मैंने ये बताया है अभी कि अगर हम नोटिस लिखेंगे तो पहले क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा, जैसे स्कूल का नेम, फिर नोटिस आ गया, डेट आ गया, टाइटल आ गया, फिर हम किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसके लिए लाइन आती है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, फिर हम क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, और वाई आर वी राइटिंग, तो पर्पस आ जाता है हमारा, जो मेन पर्पस है नोटिस को ड्राफ्ट करने का। ठीक है, अब जैसे हम एनुअल फंक्शन पे नोटिस लिख रहे हैं और हमारा मेन पर्पस है कि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके अटेंड करें एनुअल फंक्शन को पेरेंट्स के साथ में, पहले एक लाइन का स्पेस आ गया है यहाँ, फिर दिस इज टू इन्फॉर्म, ये वाली लाइन आती है, मैंने बताई थी, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन का नाम लिख दिया मान लेते हैं इंस्पायरो, ऐसे एनुअल फंक्शंस के नेम भी होते हैं ना, ओमेगा, इंस्पायरो, उमंग, इस तरीके के, 2020 नेक्स्ट मंथ ऑन डेट लिख दिया 16th दिसंबर 2020
एस आर, ये हमने ऑडिटोरियम का नाम लिख दिया, वेन्यू लिख दिया एस आर के वी एस ऑडिटोरियम। डेली कैंट, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। अब अगर चाहें तो और भी लिख सकते हैं कुछ, जैसे द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन विल बी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये इन्फॉर्मेशन दे दी हमने सारी की सारी, ठीक है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल फुल स्टॉप। अब लास्ट में पर्पस आ गया, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट विद देयर पेरेंट्स। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, उस पर्सन का नाम जो लिख रहा है, ठीक है, हेड बॉय या हेड गर्ल, जो मतलब तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा ना नाम, और जो पोजीशन गिवन होगा वही लिख देना है। अगर नहीं गिवन होगा तो अपना नाम लिख सकते हो, कोई भी पोजीशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेट अ मिनट गाइस, ठीक है, अब ये हो गया पूरा का पूरा। समझ में आया भाई सबको? अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे बॉक्स में, बॉक्स तो पहले से तुम बना लोगे, मैं बॉक्स नहीं बना रहा है, तुम बॉक्स बना लोगे, लेकिन बॉक्स को क्लोज नहीं करना है, ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद बॉक्स को क्लोज करना है। तो ये आज हमारा टॉपिक था, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब अगर मान लेते हैं हमारा जो नोटिस है वो इवेंट नोटिस होता है, इवेंट नोटिस मतलब जहाँ हमारा मेन पर्पस क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, जहाँ पे हमारा मेन पर्पस पार्टिसिपेशन होता है, तो फिर उसके अंदर हम क्या करते, हमारी लाइन क्या आती एंडिंग के अंदर, पार्टिसिपेशन वाली लाइन आती। तो हम ये वाली जो लाइन है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन वाले केस में हम एक दूसरा ऑप्शन भी लिख सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया, जब हमारा इन्फॉर्मेशन नोटिस होता है जिसमें हमारे को पार्टिसिपेशन की बात नहीं करनी होती, और दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं पार्टिसिपेशन वाला अगर आ गया जिसमें मुझे पार्टिसिपेशन वाली लाइन लिखनी है, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स और पार्टिसिपेशन टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। समझ में आया? इस तरीके से हो जाएगा ये। बहुत इजी है, बहुत आसान है ये, अगर तुम करोगे तो इसमें कोई दिक्कत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं होगी, तुम्हें बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब लास्ट में मैंने बताया था एक नेम आता है, बॉक्स हमारा छोटा पड़ गया, एक मिनट। ठीक है, आउट इज गुड। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर टॉपिक में। अब एक काम करना है आप लोगों को, काम ये करना है कि नोटिस के कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं। अभी ग्रुप के अंदर ना मुझे मैसेज करना, मैं एक बार ना नोटिस के कुछ क्वेश्चंस तो मैं फॉरवर्ड करूँगा, तो उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखना, तो तुम्हारे को पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस फाइल को भी मैं अपलोड कर दूंगा, जो मैं तुम्हें लिंक दे रखा है ना उसके अंदर मैं अभी अपलोड कर दूंगा, देखता हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, करता हूँ मैं। और जैसे ही गूगल ड्राइव का जो लिंक है ये सेव हो जाएगा, गूगल मीट का, तो मैं तुम्हारे को उसको भी शेयर कर दूंगा, अगर रिवाइज करना हो तो वहाँ से देख लेना, ठीक है।
और गाइज अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा है जो हमारा ये लेक्चर देख रहा है अभी, जो भी स्टूडेंट है चाहे वो 11th क्लास से है, 12th क्लास से है, किसी भी क्लास से है, 9th 10th, कोई भी जिसका नोटिस का टॉपिक है, तो मैं आपको बता दूँ हमारी जो गूगल मीट क्लासेज हैं वो चल रही हैं। ठीक है, हमारे दो तरीके के बैचेस चल रहे हैं, एक रिकॉर्डेड बैच फैसिलिटी है और एक लाइव बैच फैसिलिटी है। अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहिए तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, 500 है कंप्लीट कोर्स की, लेकिन अगर आपको लाइव बैच चाहिए तो उसकी जो चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ हैं पूरे कोर्स के। तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, 8799-733-077। और साथ के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है,